2024 के चुनाव में अब महज कुछ महीने बचे हुए हैं और हर कोई लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगा है। ऐसे में सबकी निगाह यूं तो एनडीए बनाम इंडिया पर है, लेकिन इस बीच में एक सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसको जीतने से जो लोकसभा चुनाव जीतने की संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उसने अपनी यूपी इकाई की कार्यकारिणी की घोषणा की तो अखिलेश यादव के पीडीए का जिक्र होने लगा। दरअसल अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन यानी INDIA गठबंधन जो है उसका साथ पकड़ लिया है, लेकिन यूपी में अगर अखिलेश यादव के समीकरण की बात करें तो यूपी में अखिलेश यादव के साथी हैं RLD के जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को लेकर के बार बार ये चर्चाएं होती हैं कि जयंत इस बार किसके साथ रहेंगे, और ये सवाल इसलिए उठता है कि जयंत चौधरी कई मौकों पर कभी सदन में उपस्थित नहीं रहे तो कभी उनके विधायक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए, और इसलिए ये कयास लगते रहे कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और बाकी सपा के सहयोगी अखिलेश यादव को छोड़ के अलग हो गए, वैसे ही कहीं जयंत चौधरी भी BJP के साथ जाने का प्लान तो नहीं बना रहे। और ऐसे में अब जो अखिलेश यादव की यूपी इकाई की जो कार्यकारिणी घोषित हुई है उसमें अखिलेश ने अपने PDA का बहुत ध्यान रखा है। पहले आपको समझाते हैं ये PDA क्या है। दरअसल 2024 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने एक नया समीकरण बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यूपी में इस तरह के जो इक्वेशंस यानी समीकरण होते हैं उसके बहुत मायने हैं। दरअसल जब मुलायम सिंह यादव थे तब उन्होंने MY समीकरण बना करके काम करने की शुरुआत की। MY यानी मुस्लिम और यादव, इनका गठजोड़ बना तो मुलायम सिंह यादव की राजनीति चटक गई। इसके बाद BSP ने भी समीकरण बनाया और दलितों के साथ साथ मुस्लिमों को जोड़ने की या दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की। 2007 के चुनाव में मायावती ने दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों का गठजोड़ बनाया तो फुल मेजॉरिटी की बसपा की सरकार बनी। इसके बाद MY समीकरण ने काम किया तो 2012 में सपा की सरकार बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन मोदी लहर में ये समीकरण ज़्यादा काम नहीं किए। इसी वजह से मायावती का जो दलित और मुस्लिम समीकरण था वो भी फेल हुआ और अखिलेश यादव ने भी अलग अलग गठबंधन करके कई समीकरण बनाने की और साधने की कोशिश की, लेकिन सारे समीकरण फेल हो गए। अब 2024 का चुनाव सामने है तो PDA नाम का एक नया समीकरण सामने आया, यानी पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को जोड़ करके अखिलेश यादव चाहते हैं कि BJP को यहाँ पर हरा दें। और इस वजह से अब जो उन्होंने कहा है कि उनकी जो राज्य इकाई है जिसके अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, उनकी जो टीम है उस टीम में PDA का खासा ख्याल रखा गया है। नरेश उत्तम पटेल ने रविवार को लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में टोटल 182 नाम है जिसमें खुद पहले नंबर पर नरेश उत्तम पटेल हैं, तो इसमें एक कोषाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, इनके अलावा 61 सचिव बनाया गया है, 49 लोग सदस्य हैं और बाकी 63 जो हैं वो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो यानी अगर विशेष आमंत्रित सदस्यों को हटा दें तो टोटल जो कार्यकारिणी होती है वो 119 लोगों की होती है, और 119 लोगों में से अखिलेश यादव ने जो समीकरण बनाया है उसमें 45 नॉन यादव OBC को शामिल किया गया, यानी कि जिस PDA में अखिलेश यादव पिछड़ों को जोड़ते हैं उसमें यादवों को हटा के 45 लोगों को OBC समाज से रखा गया है। 11 यादव हैं, यानी कि 119 में 56 OBC को जगह दी गई है, यानी 50% से ज़्यादा जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो OBCs हैं। इनके अलावा 24 मुसलमान हैं, यानी कि अखिलेश यादव अपने PDA में जो अल्पसंख्यक हैं उनमें अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिमों को 24 लोगों को उसमें जगह दी गई है। इसके अलावा जो सिख, जैन जैसे अल्पसंख्यक हैं, जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनको भी जगह दी गई है। अगर हम बात करें दलितों की तो इस कार्यकारिणी में 17 ऐसे लोग हैं जो दलित समाज से आते हैं, और अखिलेश यादव ने एक अच्छा खासा स्पेस दलितों को भी इस बार सपा की प्रदेश इकाई में जगह दी है। अखिलेश यादव ने 8 ब्राह्मणों को, 13 राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और बनिया समाज के लोगों को शामिल किया है, यानी कि एक ऐसी कोशिश है जिसमें हर समाज को जगह देकर अखिलेश यादव लोगों के बीच ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो PDA है वो PDA ही BJP को हराने में सफल होगा। लेकिन क्या ये रणनीति काम आएगी, जरा एक्सपर्ट को सुनिए। अखिलेश यादव लगातार राजनीतिक चालें गलत चल रहे हैं, एक ऐसे समय जबकि उत्तर प्रदेश में
अगड़ों का भी आधिपत्य है और अगड़ों में ब्राह्मण खास तौर से भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा अलगाव महसूस कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के होने के नाते पूरी तरह से क्षत्रिय वर्ग का प्रभाव दिख रहा है। ऐसी स्थिति में वो पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वह जानते हैं और वह एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि दलित उनके साथ कभी नहीं आएगा। मायावती और अखिलेश यादव भले एक हो गए हों पर उनके कार्यकर्ता उनके उटर एक नहीं हुए, उसके बाद वो इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने दो ब्राह्मण नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर किया जो उनके बहुत खास लोग माने जाते थे। कहा जा रहा है कि वो जिस तरफ समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को लेके जा रहे हैं वो रास्ता गलत है। पीडीए किसी भी स्थिति में अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि पीडीए में अल्पसंख्यक जो आएंगे और अल्पसंख्यक एग्रेसिव होंगे वैसे ही हिंदुओं में जुड़ाव बढ़ जाएगा, उन वो भी एग्रेसिव होंगे और हिंदू वोट जो ओबीसी के नाम पर उन्हें कुछ मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। वैसे भी बहुत साफ है कि हिंदुत्व जो है वो कुर्मी और यादव बिरादरियों के नाते भी जिंदा है, ये लोग भी महत्वपूर्ण लोग हैं। और अगर अखिलेश यादव साफ तौर पर अल्पसंख्यक और दलित की पॉलिटिक्स को सेंटर पॉइंट बना लेंगे तो निश्चित तौर से उनका नुकसान होगा। अखिलेश यादव को ऐसे नुकसान से बचना चाहिए। तो आपने एक्सपर्ट से सुना कि अखिलेश यादव का पीडीए यूपी में क्या असर कर सकता है, लेकिन इस बीच में अगर उत्तर प्रदेश के समीकरण की बात करें तो यूपी में बीजेपी के साथ एक तरफ अपना दल है तो दूसरी तरफ निषाद पार्टी और फिर नए सहयोगी के तौर पे ओम प्रकाश राजभर यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के पास कोई मजबूत साथी नहीं है। एक जो मजबूत शख्सियत है वो है जयंत चौधरी, लेकिन जयंत चौधरी को लेकर तमाम कयासों के बावजूद जयंत इस बात को बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका गठबंधन अखिलेश यादव और इंडिया के साथ है, यानी कि वो विपक्षी दलों के साथ शामिल है। लेकिन यही जो अखिलेश यादव की ताकत पश्चिमी यूपी में बन रही है, बीजेपी उसको जानती है, समझती है और अपने तरीके से रणनीति बना करके बीजेपी भी आक्रामक है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और यहाँ से जो जीतता है उसके लिए केंद्र का रास्ता आसान हो जाता है। अगर 2024 की बात करें तो 24 के लिए बीजेपी ने कई ऐसी रणनीतियां बनाई हैं, बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुखों तक और बड़ी बड़ी रैलियों से लेकर के जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं उनको करने की कोशिश कर रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 73 सीटें मिली थी, तो 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद एनडीए यानी बीजेपी के जो सहयोगी और बीजेपी को मिला करके 64 सीटें हासिल हुई थी। इस बार 24 में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं और इस रणनीति में एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए है। अब दोनों में से जनता किस पर भरोसा करेगी ये 24 में पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव की टीम को देख करके ये ज़रूर लगता है कि अखिलेश यादव ने पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों को जोड़ करके जो नया गठबंधन बनाने की एक कोशिश की है, लोगों को जोड़ने की जो कोशिश की है, उस कोशिश में बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बना करके विपक्ष की इस तैयारी का जवाब देना होगा। फिलहाल यूपी से हर एक खबर आपको दिखाते रहेंगे, मैं और प्रशांत, देखते रहिए ललन टॉप यूपी।